जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ काली माता अपने भगत के पास कब आती है, जब वो ये काम करता है। यानी कि जो काम मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, यदि आप लोग माता काली के भक्त हो तो अगर आप ये कार्य करते हो तो माता काली आप लोगों के पास ही आती है। जब तक आप इस कार्य को नहीं करोगे तब तक माता काली आपके पास नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों देखो, सभी माता काली की पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं और माता काली के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने भी बैठ जाते हैं और हवन भी करते हैं माता काली का, सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब उनकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिस गलती की वजह के कारण माता काली उन तक नहीं आ पाती है। तो आप जहाँ जहाँ गलती करते हो, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, वो गलती आज से ही आप लोग बंद कर दो करना। क्योंकि आप बंद कर दोगे करना तो ही माता काली आप लोगों के पास आएगी, और आप करते ही रहोगे तो तब तक माता काली आप लोगों के पास नहीं आएगी जब तक आप इन गलतियों को करना बंद करोगे, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात दोस्तों ये है कि माता काली अपने भगत के पास कब आती है, ये मैं आपको बता दूँ। माता काली अपने भगत के पास जब आती है, जब उसका भगत उसकी टाइम से पूजा पाठ करता है। यानी कि एक समय बनाकर, जैसे कि मान लो हमारा भी एक समय होता है, जैसे कि हमें याद रहता है कि भाई हमें इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम हमें सोना है, इस टाइम हमें पानी पीना है, तो सब चीज़ का समय होता है। तो उसी समय के हिसाब से आप लोगों को भी माता काली की पूजा पाठ करनी चाहिए। और पूजा पाठ जब भी आप करते हो उसका समय बांधो, यानी कि सुबह आप लोग मॉर्निंग में पूजा पाठ कितने बजे करते हो, 6 बजे करते हो या फिर 7 बजे करते हो या फिर सुबह 10 बजे करते हो, ठीक है। जितने बजे आप लोग करते हो उसी टाइम पे आप लोगों को हर रोज़ पूजा पाठ करनी होती है, क्योंकि एक जो समय होता है उसी समय को बांध कर माता काली आप लोगों के पास आती है। क्योंकि माता काली को पता होगा कि भाई मेरा ये भगत है इस नाम का, ये इस समय मेरी पूजा पाठ करेगा और इस समय मुझे इसके पास जाना है। तो अपना समय बांध कर आप लोग पूजा पाठ करें, मैं आप लोगों को ये बता दूँ। और आप गलतियाँ यही करते हो, जैसे कि आज मान लो आपने सुबह 10 बजे पूजा कर ली और कल आप लोग कर लोगे सुबह 8 बजे पूजा, फिर कर लोगे सुबह 6 बजे पूजा, तो ये टाइम जो है आपका ये गलत जा रहा है, इसे गलत दिशा पे मत भेजो। जो टाइम टेबल आपके पूजा पाठ का है उसे बनाओ, जिस टाइम आप फ्री रहते हो उस टाइम का टाइम टेबल आप लोग अपनी पूजा पाठ का बनाओ। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि पूजा पाठ करते करते आप लोग बहुत गलतियाँ करते हो। बहुत गलती मतलब कि जब जब आप पूजा पाठ करते हो तब तब आप कहीं ना कहीं गलती करते हो, या तो मंत्र जाप करने बैठते हो तो आप लोग आगे पीछे मंत्र का जाप कर देते हो, 108 बार आप नहीं करते हो। तो मैंने आपको बताया है अगर आपके पास माला है तो माला से आप लोग 108 बार जाप कर सकते हो, अगर आपके पास माला नहीं है तो आप अपनी करमाला से जाप कर सकते हो, यानी कि उंगलियों से, जो हाथ है हमारा उसकी उंगलियों से भी आप लोग आसानी से माता काली के मंत्र का जाप कर सकते हो 108 बार। तो अपनी गिनतियों को बिल्कुल काउंट करके एकदम अपने दिमाग में धर के और ध्यान माता काली की तरफ ही होना चाहिए, जो कि आपका ध्यान कहीं और होता है और आप लोग मंत्र जाप करने बैठ जाते हो, तो ये गलती आप लोग करते हो। तो दोस्तों यही गलतियां हैं जो आप लोग करते हो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज से ही आप लोग अपनी गलतियों को सुधारो और फिर देखो आपके पास माता काली कैसे दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप लोग घर घर में ही पूजा पाठ करते हो, घर घर की पूजा पाठ से इतनी मान्यता नहीं होती। आप लोग अगर किसी देवी की पूजा कर रहे हो या फिर किसी देवता की पूजा कर रहे हो तो उसके धाम पे भी आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, यानी कि उनके घर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। जैसे कि मंदिर होता है देवी माँ का, तो वो मंदिर होता है, ठीक है, और वो माता रानी का घर होता है, तो उसी घर में आप लोगों को सभी भक्तों को दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और जो कि आप हो कि घर घर में पूजा पाठ करते हो, घर घर में सेवा करते हो और बाहर मंदिरों में आप लोग नहीं जाते हो, तो ये जो गलती है ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती की वजह के कारण ही आप लोगों के पास माता काली नहीं आ पाती है। फिर आप लोग कहते हो कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा पाठ के अनुभव हमें नहीं होते हैं, ना ही हमारा कोई कार्य होता है, हम कुछ मांगते हैं माता काली से तो वो भी हमें नहीं प्राप्त होता। तो ये जो गलतियाँ कर रहे हो आप, तो ये गलती करते रहोगे तो आपको कहाँ से प्राप्त होएगा। तो गलतियाँ करना आज से ही बंद कर देना और फिर देख लेना, माता काली ना आप लोगों के पास आए तो आप मुझे जो कहो वो कह देना, मैं आपको गारंटी के साथ इस बात को कह रही हूँ।
अगर आप आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद अपनी गलती को सुधारोगे तो माता काली भी आप लोगों के पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। और दोस्तों ये भी होता है कि जैसे मान लो आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो अपने, ठीक है, तो पूजा पाठ में आप लोग बिल्कुल ऐसी जगह करें जो कि खाली स्थान हो, यानी कि जब जब पूजा पाठ करें तो अपनी फैमिली वालों को बोल दें कि अभी हम पूजा कर रहे हैं, आप थोड़ी देर में आना, क्योंकि फिर आपका ध्यान भटकता है और शक्तियाँ भी आप लोगों के करीब नहीं आ पाती है, क्योंकि आपके आसपास कोई होगा तो शक्ति भी आने में झपकती है, तो इसी वजह के कारण भी शक्ति आपके आसपास नहीं आती है। तो आप एक शांत कमरे में ही बैठकर माता काली की पूजा पाठ करें या जाप करें। जितना आप ये गलती करते रहोगे जो मैंने बताई है, तो कभी भी जीवन में आपके पास माता काली नहीं आने वाली, चाहे आप कुछ भी कर लो। और आज से ही आप लोग अपनी गलतियों को सुधार लोगे तो माता काली आप लोगों के पास दौड़ी दौड़ी खुद चली आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता की, ओम नमः शिवाय, जय।